मैं कानूनी सलाह भी ले रहा हूँ, मैं अदालत में भी जाऊंगा, पर उसके पहले मैं जनता की अदालत की कसौटी पे खरा उतरना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने तय किया कि जनता की अदालत केजरीवाल साहब बुलाते थे, आज वही जनता की अदालत बुलाने का फैसला किया। 19 तारीख शाम को 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की यह जगह तय की। सब व्यवस्था आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और मैंने खुला पत्र दिल्ली के नाम लिखा था कि दिल्ली वाले लोग आकर के यहाँ न्याय करें। आरोप उन्होंने लगाया है हत्या के में शामिल होने का, तो वो आए और यहाँ पर मेरे आरोप साबित करे कि मेरे ऊपर जो आरोप है उस हत्या में मैं शामिल हूँ। इसी वक्त मीडिया और जनता अदालत के सामने अपने मृत्यु तक राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। पिछले 25 वर्ष कभी पद के लिए कोई काम नहीं किया, केवल जनता में रहकर अपनी सेवाएं दी है। अगर पद के लिए काम करना होता तो बहुत मौके थे, पर आज केजरीवाल आरोप यदि यहां पर साबित आकर नहीं करते हैं तो मैं मांग करता हूं कि जिस ईमानदारी के सर्टिफिकेट उन्होंने अपने आप को दिए हैं उसी ईमानदारी के तहत, और जो दम की बात करते हैं कि बंदे में दम है, तो वह दम दिखाकर अपने मां के दूध की लाज बचाए और अपना इस्तीफा दे कि मुझसे गलती हुई है और एक ऐसे व्यक्ति पर मैंने मन भ्रंत आरोप लगाए हैं। इंतजार रहेगा, हमने तय किया है कि 4 बजे से लेकर शायद ट्रैफिक का बहाना दे तो थोड़ा इंतजार भी कर लेंगे। 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे तक हम इंतजार करेंगे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। 5 बजने के बाद शायद उनको ये व्यवस्था कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि आम आदमी कहकर बोले हैं, उनकी खास व्यवस्था के लिए यहां से उनके घर पे पूछ करेंगे। तू जहां मिलेगा वहीं बहस करूंगा, पर बहस करनी होगी या तो आरोप सिद्ध कर या इस्तीफा दे, ऐसे भागने नहीं देंगे। बहुत भाग लिया, दिल्ली को ठग कर, दिल्ली की जनता को ठग कर कई सारे वादे किए थे, वो कमांडो बस के अंदर नहीं है। एक वादा तो सीसीटीवी कैमरे का किया, वो तो मैंने अपने क्षेत्र के लिए 1.5 करोड़ पुलिस को देकर के अपने क्षेत्र में सीसीटीवी की मांग की। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप झूठ की बुनियाद के ऊपर अपनी नाकामयाबी छुपाते हुए सरकार को, दिल्ली के देश की सरकार को बार बार टोकने का काम करते हैं और भागने की सोचते हैं। अब कहते हैं मैं गुजरात जाऊंगा, क्यों भाई? दिल्ली बर्बाद की, अब गुजरात भी बर्बाद करेगा? उड़ता पंजाब, उड़ता अरविंद केजरीवाल हर जगह जाएगा और वही रायता फैलाएगा। मैं पंजाब की जनता से, गोवा की जनता से, गुजरात की जनता से, इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि देखना, याद रखना, केजरीवाल आएगा, पनौती आ जाएगी।